सिविल सेक्टर 20 में अलग अलग प्रकार के नकली तंबाकू बनाए जाने की जानकारी जोन 1 के उपायुक्त शाहजू उमप की यूनिट को मिली। जानकारी अनुसार पुलिस उपनिरीक्षक रोहन बगाड़ ने अन्न और औषध प्रशासन के अधिकारियों के साथ गुरुवार की रात दो जगहों पर छापा मारा, जहां अनेक प्रकार के नकली तंबाकू का उत्पादन किया जाता था। इस पूरे गैर कानूनी तौर पर चल रहे धंधे का पर्दाफाश किया गया। इस विषय पर अधिक जानकारी पुलिस उपायुक्त शाहजू उमप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। नेरूळ परिसरामध्ये आम्हाला अशी माहिती मिळाली सुरुवातीला की एका घरामध्ये दोन इसम हे एकाच प्रकारच्या तंबाखूमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल मिसळून त्यापासून वेगवेगळ्या ब्रँडच्या तंबाखू हे तयार करतात आणि नंतर डब्यामध्ये सील करून ते लोकल मार्केटमध्ये पानटपरी धारकांना विकतात। यावरून आम्ही सदर ठिकाणी छापा मारला। आम्ही सर्व प्रकारची ही जी उत्पादन आहेत, रिकामे डबे आहेत, त्यांचे लीड्स आहेत, प्लास्टिक आहे, सीलिंग मशीन आहे, असं सर्व साहित्य याच्यामध्ये जप्त केलेले आहे। इस मामले में 23 वर्ष अबू अहमद, 20 वर्ष जाफर सफी खान और 33 वर्ष मोहम्मद शेख, ये तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 78,290 रुपए का कैश और 63,450 रुपए का माल जब्त किए जाने की जानकारी पुलिस उपायुक्त ने दी। या संपूर्ण कारवाई मध्ये जवळपास 78,000 रुपयाची रोख रक्कम आम्हाला मिळालेली आहे, त्याचबरोबर 64,000 रुपयांची विविध उत्पादन आम्ही या कारवाईमध्ये जप्त केली।